आज की इस क्लास में हम क्लास 8 में जीके पढ़ेंगे और जीके के लिए जो आपका आपके बुक में थर्ड चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी हम जीके है तो थोड़ा सा और सी जानकारी देते हैं। इस समय आपके देश में या यूं कहिए कि ऑल इन द वर्ल्ड पूरे संसार में एक डिजीज एक बीमारी जो कि चल रही है जिसको आप जानते हैं नाम क्या है कोरोना 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 डिजीज। ये इसका एक और डिफरेंट नेम है अलग नाम है उसका नाम है COVID-19 कोविड-19। ये कोविड-19 है क्या, इसका नाम कोविड-19 क्यों बोला बताते हैं। UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस कोरोना के लिए एक ऐसा नाम सेलेक्ट करने का निश्चय किया विचार किया कि जो ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड सभी देशों में जो जिसको मान्यता प्राप्त हो जिसको माना जाए जिसको जाना जाए तो उसके लिए ये पहले दो वर्ड ले लिया गया जैसे CO है तो इसका मतलब ये है कि CORO या एक कोरोना है। उसके बाद दो वर्ड और ले लो ये क्या है VIRUS वायरस हो गया। डी क्या है क्लास ए में पहुंच गए हो अब समझ गए होगे आपका दिमाग काम कर गया होगा डिजीज DISEASE कोरोना वायरस डिजीज। और ये 19 क्या है क्योंकि इसके बारे में जो नॉलेज हुआ जो जानकारी हुई वो हुआ 2019 में इसीलिए इसका नाम क्या है कोरोना वायरस डिजीज यानी कि दो वर्ड ये एंड एक ये COVID और ये 19 कोविड-19 हो गया। चलो ये हो गया। इसके बाद जीके के लिए देखते हैं इसमें आपका जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है कि इंडियन INDIAN इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTION इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान ध्यान दीजिए क्यों बना कैसे बना कितना टाइम लगा कितना पैसा लगा ये सब नहीं बताना है क्योंकि क्लास आप लोग 8 में है आपका जो सिलेबस है आपको वही बताया जाएगा। तो इसमें आपको जो चैप्टर थर्ड है उसके अंदर एक क्वेश्चन पहले आपको मिलता है व्हिच इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री आपके कंट्री में जो लॉ मेकिंग बॉडी है सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि सर्व शक्तिशाली जो तंत्र है या जो सर्व शक्तिशाली शक्ति है जो आपके देश में लॉ बनाती है नियम बनाती है कानून बनाती है वो कौन है। इसके लिए पार्लियामेंट और विधानसभा का ऑप्शन था तो उसके लिए पार्लियामेंट आपका रहेगा। पार्लियामेंट क्या है व्हाट इज पार्लियामेंट ये जो आपका संसद है हिंदी में बोले तो संसद वो पार्लियामेंट है जहाँ पे आपके कंट्री से आपके देश से सभी जिलों से जो आप एक मेंबर जिसके लिए कि वोटिंग करते हैं जिताते हैं जिसको कि सांसद बोला जाता है MP बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे लॉ बनाते हैं नियम बनाते हैं कानून बनाते हैं। तो इसके लिए आपके देश में लॉ बनाने वाली नियम बनाने वाली दो हाउस है दो घर है उसका नाम है एक तो LOWER लोअर हाउस
और दूसरा है UWER अपर हाउस। लोअर किसे कहते हैं? लो नीचा छोटा। तो यह है आपका LOKE लोक, समझ गए आपको SABHA लोक समझ। और जो अपर हाउस है वो RAJYA राज्य SABHA राजस्थान। आप बात ये उठती है ये लोअर हाउस क्यों है, ये अपर हाउस क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो लोकसभा है इसका जो इलेक्शन होता है ये टाइम टू टाइम आफ्टर 5 ईयर 5-5 साल पे होता रहता है। और ये जो है इसका इसके जो मेंबर्स हैं इनके जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है, चुनाव जो होता है वो हर साल वन थर्ड इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं ये हर साल जो होते हैं रिटायर होते रहते हैं। और इनका जो टाइमिंग होता है जितने सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं चुने जाते हैं वो 6 ईयर के लिए, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और 1/3 यानी कि 1/3 जो मेंबर होते हैं ये रिटायर होते रहते हैं, उसकी जगह पे दूसरे आते रहते हैं। ये इस तरह से साइकिल प्रोसीजर चलता रहता है। और इसके बाद आप जान लीजिए जो लोकसभा है इसके जो मेंबर होते हैं वो 552 ये मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये जो हैं वो 543 हैं। और एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय से आपके जो प्रेसिडेंट महोदय हैं वो 2 लोगों को यानी कि 2 मेंबर्स को इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं यानी कि चुन सकते हैं। और इस तरह से अगर ऐसा करते हैं तो 5 हो जाएगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं है फिलहाल वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आपके यही है। और देखते हैं जो आपका अपर हाउस है जो राज्यसभा है इसके जो मेंबर्स हैं वो इस समय 245 है। और मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो क्या है 250। अब देखिए आपके प्रेसिडेंट महोदय इसके लिए 2 मेंबर का नॉमिनेट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कुछ मेंबर्स का नॉमिनेट कर सकते हैं। और वो कितने हैं आपको बता दें, वो है 1-12 यानी कि 12 सदस्यों को 12 मेंबर्स को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या है जी, फिर आता है आपका क्वेश्चन हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री, आपके देश में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं और कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनकी संख्या उनका जो नंबर है उसको हम अभी आपको बताते हैं। आपको पता है आपके यहाँ 29 स्टेट थे, अभी नहीं है, अभी कितने स्टेट हैं? स्टेट है 28। क्यों? JK जम्मू एंड कश्मीर, इसको क्या किया गया है? तोड़ दिया गया है। और ये क्या हो गया है, ये स्टेट था लेकिन इसको बना दिया गया है यूनियन
टेरिटरीज, वो कौन कौन यूनियन टेरिटरीज हैं? एक जे एंड के है, और सेकंड वाला आपका है LADDAKH, लद्दाख। यानी कि हमारे जो यूनियन टेरिटरीज थे पहले कितने थे? यूनियन टेरिटरीज 7 थे और स्टेट 29 थे। स्टेट एक घट गया, 2 टेरिटरीज बढ़ गया, तो ये 9 बन गया, 28 स्टेट हो गया और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गया। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें, अभी आपके यहाँ 9 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वो कितने हैं आपको बता दें, प्रेजेंट टाइम में यानी कि आज मई 2028 यूनियन टेरिटरीज। क्यों? आपके 2 यूनियन टेरिटरीज का नाम हम बताते हैं, दादरा एंड नागर हवेली, और एक और दमन एंड दीव दीव, ये 2 थे, पर एक ये था। अभी क्या किया गया, इन दोनों को एक में कर दिया गया है। तो भाई 2 थे तो एक हो गया, इसका मतलब एक घट गया, यानी 9 नहीं 8 रहेंगे, यानी 8 यूनियन टेरिटरीज आपके यहाँ हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद की हेडिंग जो क्वेश्चन आपका बनता है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस न्याय के लिए सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत कहाँ पे? इन इंडिया, HIGHEST, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ JUSTICE, इन इंडिया। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? आपका जो नेशनल कैपिटल है वहीं है, ये नेशनल कैपिटल है कहाँ है आपका? DELHI दिल्ली, इस समय जो कोरोना का घर बना हुआ है वहाँ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि न्याय करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है आपकी वो सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में है। इसी तरह से हर एक स्टेट्स का भी अपना एक कोर्ट होता है और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? HIGHEST हाई कोर्ट। और आप जिसमें रहते हैं वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। इसका कोर्ट, इसका हाई कोर्ट कहाँ है? PRAYA प्रयाग में है। और इसकी एक ब्रांच है, शाखा डाली, जैसे पेड़ों का कई ब्रांच होता, शाखाएं होती इधर से उधर कहीं रहती हैं, या यूँ कहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा की का एक ब्रांच बरियावन में है, एक ब्रांच बस्कारी में है, टांडा में है, अकबरपुर में ब्रांचेस हैं। तो इसी तरह से इसका एक ब्रांच, ये अकेले इतने बड़े स्टेट का सारा काम नहीं देख पाता था, इसलिए इसका एक ब्रांच बना दिया गया। वो कहाँ है? वो है LUCKNOW, लखनऊ में है वो। तो ये आपका क्या कहते हैं, लॉ मेकिंग हो गया। इसके बाद आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान देना बच्चों, ये जीके इस टाइप का है कि किसी भी क्लास 8 के लिए तो बना है, लेकिन कोई भी क्लास सेकंड से लेकर
जितना भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम में जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है SHARAD शरद, ARVIND अरविंद, BOBDE शरद अरविंद बोबडे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI है आपके। वहीं हम UP की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश तो DILIP दिलीप, BA बाबा, SABHSAHEB साहेब दिलीप बाबा साहेब भोसले, BHOMSLE, ये चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश है, इनको आप भूलिएगा नहीं, जानते रहिएगा और बदलते भी रहते हैं। और एक वर्ड और आपका आता है अभी किस चैप्टर से, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं, डिफेंस माने सुरक्षा, फोर्सेस बल, इसके जो सुप्रीम कमांडर हैं, सबसे बड़े सेनापति हैं, जो सबसे बड़े कमांडर हैं, वो पहले सुन लीजिए, वो होता तो है कौन, प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट इस टाइम कौन है जानते हैं आप, रामत लीजिए लिख लीजिए जरूर नहीं है, ये चेंज होंगे तो जो बनेंगे प्रेसिडेंट वो हो जाएंगे सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इंडिया। इसके बाद आपका क्या बचता है, ये चैप्टर तो बच्चों एंड है, लगभग लगभग एंड ही है, थोड़ा सा आप जान लेते हैं राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस के बारे में, ये थर्ड चैप्टर था और जो फर्स्ट चैप्टर था वो राष्ट्रपति भवन था, हमने उसको इसलिए पहले नहीं पढ़ाया तो पहले हल्का सा जो जानकारी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको जान लीजिए, उसके बाद राष्ट्रपति भवन के बारे में आप प्रकट कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति भवन है आप जानते हैं, कोई भी मकान बनता है, आप इंजीनियर बन गए, कोई बड़ा सा मकान बनाना है आपको तो उसके लिए आप नक्शा बनाएंगे, और इस तरह से जो राष्ट्रपति भवन था इसका जो बनाने वाला था, इसका जो आर्किटेक्टर था वो एडविन लुटियंस था, EDWIN एडविन लुटियंस, LUT नेमिंग वर्ड है, स्पेलिंग में मत जाइएगा, LUTY एट लेफ्ट, एट लेफ्ट एडविन लुटियंस, इसने आपके राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था, बनाया था, और इसको 1912 में बनाया गया था, और इसको पहले क्या कहा जाता था, वायसराय हाउस, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले इंडिया में जो मेन जो प्रमुख मुखिया होता था, अंग्रेजी गवर्नमेंट इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में भारत का शासन प्रशासन करने के लिए वो वायसराय होता था, तो यहाँ वो बैठता था, तो इसलिए उसको वायसराय हाउस कहा जाता था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा, और इसको जो टाइम लगा था वो 17 ईयर लगा था बनाने में, आपके बुक में है
वीडियो में आप सभी ने अभी परिचय प्राप्त किया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यूनियन टेरिटरीज के बारे में 28 यूनियन 8 टेरिटरीज यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा बच्चों आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में आपको पता है COVID-19 को भी आपने जाना, इसका पूरा विस्तार रूप जाना, इसका प्रभाव जाना, ये भी चल रहा है और हमारा देश लगभग कंट्रोल कर लिया है, लेकिन फिलहाल आपका विद्यालय स्कूल खुलने में अभी टाइम लगेगा। टाइम लगने का मतलब ये मान के चलेंगे आप लोग की जुलाई में विद्यालय खुल सकता है, तो तब तक आप लोग जितना हो सके पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहें और बाहर कभी भी टहलने घूमने इस तरह से कहीं ना जाएं। इसके साथ आज का वीडियो एंड होता है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।